हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का नवम पाठ है, अहम अपि विद्यालम गमिष्यामि। अहम यानी मैं, अपि भी, विद्यालम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी, मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति अपनी पड़ोसन से बातें करती है। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रेण मातुल गृहं प्रति परसित्ते काचिद अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेष्य। मम पुत्र यानी मेरा बेटा मातुल गृहं मामा के घर प्रति परसित्ते गया हुआ है, काचिद अन्य काम अपि महिलाओं कार्यार्थम जानासि तरही प्रेषय। काचिद यानी किसी अन्य काम के लिए महिला को जानती हो, तरही प्रेषय तो भेजना। गिरिजा, गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम साहिका सव सुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति सम। अद्य आज प्रातः यानी सुबह, एव ही आज सुबह ही मम साहिका मेरी साहिका सब सुताया अपनी बेटी के लिए कृते के लिए कर्मार्थम काम के लिए प्रचति सम पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी साहिका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। सब प्रातः कल सुबह एव ही तया सह वार्ताम करिष्यामि, उसके साथ, तया सह यानी उसके साथ वार्ता करिष्यामि, बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातःकाले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातःकाले यानी सुबह षट्वादने 6 बजे ही, एव यानी ही, मालिन्या गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी आगंतारम कम अपि किसी के आने की सूचयति यानी सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है या दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत कि गिरजाया सेविका दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि गिरिजा के सेविका दर्शना यानी सेविका का क्या नाम था, दर्शना, उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी थी। तिष्ठति यानी खड़ी थी। दर्शना, दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति समय, भवती आप कार्यार्थम कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुताये अवसर प्रदाये अनुग्रहणा तु भवति, कृपया करके मम सुताये यानी मेरी बेटी को अवसरम प्रदाये अवसर देकर अनुग्रहण तु भवति, मुझ पर कृपया करे। मालिनी, मालिनी कहती है परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु परम एशा यानी परंतु यह तो अल्पवयस्का यानी छोटी उम्र की प्रतीते, प्रतीयते यानी प्रतीत हो रही है, किम कार्यम करिष्यतेषा, यह क्या कार्य करेगी, किम यानी क्या कार्य यानी कार्य करेगी। अयम तु अश्या अधनश्य क्रीडनश्य च काले, अयम तु यह तो अश्या इसके अध्ययनश्य यानी पढ़ने के, क्रीडनश्य यानी खेलने के, च और काल यानी समय, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना, दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति समय, एषा यह एकस्य एक गृहस्य घर का संपूर्ण कार्य सारा कार्य करोति सम करती थी, यह एक घर का सारा कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रतिष्ठते परसित्ते, अधुना अब वह परिवार, सह परिवार यानी वह परिवार विदेशम विदेश गया हुआ है। कार्य अभावे अहमतश्यी कार्यम विना वेश्यामि सम, कार्याभावे कार्य के अभाव में अहम एतस्य मैं इसके लिए कार्यम
एवान वेश्यामी कार्य ही ढूंढ रही थी, सम यानी थी, येन भवत सदृशानां कार्यम प्रचलेत, जिससे, येन यानी जिससे भवत सदृशानां यानी आप जैसे लोगों का कार्य प्रचलित कार्य चलता रहे, अस्मद् सदृशानां हम जैसे लोगों का गृह संचालनाएं घर संचालन चय धनस्य व्यवस्था भवेत, हम जैसे लोगों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाए। मालिनी, मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम्, परंतु यह तो बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। कि यत यानी कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वेषां बालिकानां च और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। दर्शना, दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मद् सदृशानां तु मौलिक अधिकारा केवल स्वोदर पूर्ति रेवास्ति अस्मद्, हमारे लिए तो, अस्मद् सदृशानां तु हमारे लिए तो मौलिक अधिकारा केवलम, मौलिक अधिकार केवल सब उदर पूर्ति रे वस्ति, हमारा पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाएं एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षट ग्रहणानां कार्य करोमि। एतस्य व्यवस्थाएं ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन् मतलब हर रोज पंच षड ग्रहणाम कार्यम करोमि, पांच छह ग्रहों का काम करती हूँ। मम रुग्णे पति तु किंचित अपि कार्यम न करोति, मम यानी मेरा, रुग्णे यानी बीमार, मेरा बीमार पति तो किंचित अपि कोई भी कार्यम न करोति, कार्य नहीं करता। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा, मैं अहम यानी मैं, मम पुत्री चै और मेरी बेटी मिलित्वा मिलकर परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वे, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् माघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन् इसमें इस महंगाई के काल में, महाकर्ता काल यानी महंगाई के काल में हमारी जरूरत की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एवं धनम पर्याप्त न, यह धन पर्याप्त नहीं है भवति। तर्हिं कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुष्कर पुस्तक अन्यादीन क्रेतुम धन मानिष्यामि, तो तरही यानी तो कैसे विद्यालय शुल्कम यानी विद्यालय की फीस, गणवेशम, गणवेशम यानी ड्रेस यानी पोशाक, पुस्तक अन्यादीन क्रेतुम धन मानिष्यामि, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी, मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम अभव्यता, आप तो अज्ञान हो, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, क्या तुम नहीं जानती यत कि 2009 ईस्वी में सरकार ने सभी सर्वेषां यानी सभी बालकानां बालकों के लिए, सर्वेषां बालानां सभी बालिकाओं के लिए शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषणा कृता, घोषण कर दिया है या घोषित कर दिया है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्यम न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पादत्राणम मध्याह्नम भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यदनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 साल के आरंभ से ही चतुर्दश वर्ष पर्यंत है 14 वर्ष तक सर्वे बाला सभी बालकों को समीप के सर्व कार्यम विद्यालय सरकारी स्कूल में प्राप्य न केवल
केवल निशुल्क शिक्षा ही नहीं प्राप्त होगी अपितु बल्कि निशुल्क गणवेशम पुस्तकानि, निशुल्क पोशाक और पुस्तक, पुस्तक स्यूतम पुस्तक रखने के लिए बैग, पात्राणम जूते, मध्यान्हम भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि कम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, हर कोई प्राप्त करेगा। दर्शना, दर्शना कहती है अप्येवम यानी अपि एवं ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, मालिनी की ओर आश्चर्य से देखते हुए मालिनी कहती है आम हाँ वस्तुतः एवमेव हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। दर्शना, दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटयन्ति, कृतार्थ होते हुए या आभार प्रकट करते हुए अनुग्रहता अस्मि महोदय, आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी, एतद् बोधनाय ऐसा बोध करते हुए या जताते हुए, अहम् अद्य वाश्या प्रवेशम समीपवस्ते विद्यालय कारिष्यामि, अहम् मैं अद्य वाश्या इसके लिए आज ही प्रवेश समीप वस्ते समीप के विद्यालय में प्रवेश करा दूंगी, इसका इसको प्रवेश करा दूंगी। दर्शनाया, दर्शनाया कहती है पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इतिक्त्वा करतल वादन सहितम ऐसा कहकर तालियों के आवाज के साथ नृत्यति नाचती है मालिनी प्रतिचय कृतज्ञता ज्ञापती, और मालिनी की तरफ अपनी कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करती है। ये था हमारे पाठ का विस्तार। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।